श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ो उससे पहले बता दूं कि कल है अनंत चतुर्दशी। जिन लोगों ने बप्पा को अपने घर 10 दिनों के लिए स्थापित किया था, कल उनकी जो है विदाई होने वाली है अनंत चतुर्दशी के दिन। धूमधाम से लोग बप्पा की विदाई करते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्या होता है ऐसे समय पे लोग गुलाल वगैरह फेंकते हैं रोड पर, जब वो किसी मूर्ति को या उनकी प्रतिमा को लेकर जाते हैं विसर्जित करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा भगदड़ भी कभी कभी मच जाती है, या गुलाल वगैरह वो रोड पर फेंकते हैं। तो वो ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके साथ बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके आसपास जानवर भी हो सकते हैं, किसी को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि बप्पा जो है ना वो बहुत ही शांत एक देवता है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से, आप उनकी पूजा की वजह से किसी को परेशानी हो। कोई भी देवता ये नहीं चाहते। और कोशिश आपको ये रखनी है कि जब भी आप जाएं विसर्जित करने के लिए, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ ना करें, ना ज़्यादा लाउड म्यूजिक चलाएं, ना गुलाल वगैरह रोड पर फेंकें, या ऐसे गुलाल उड़ाते हैं लोग वो ना करें, ना ही जहाँ पे विसर्जित कर रहे हैं किसी घाट पे या नदी किनारे, वहां पर भी बहुत ही आराम से शांतिपूर्वक आपको करना है। तो कल बप्पा की विदाई करेंगे आप सभी, और 29 तारीख से शुरुआत हो जाएगी पितृपक्ष की यानी श्राद्ध की। 15 दिनों तक चलने वाले हैं श्राद्ध, सभी शुभ कार्यों पर रुक जाएगी, पाबंदी लग जाएगी। तो पितृपक्ष से जुड़ी जानकारियां चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल रही हैं, किस दिन कौन से पितृ का श्राद्ध करना है, किन किन चीजों का दान करना है, तर्पण करना है, क्यों 15 दिनों के लिए ही श्राद्ध मनाते हैं, सारी जानकारियां आपको हमारे धर्मा लाइफ पर मिल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जब वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। ये तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है, अब बारी आपकी राशिफल की। शुरुआत करेंगे पहली राशि के साथ, मेष राशि। मेष राशि वालों को आज धीरज रखने की जरूरत है, इम्पेशेंट होने से बचना है, पेशेंस लेवल बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज के दिन परिवार में या काम की जगह पे कोई आपको इरिटेट कर सकता है, किसी की हरकतों से आप इरिटेट हो सकते हैं। गुस्सा नहीं होना है, धैर्य रखने की जरूरत है। पैसा खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है, सेहत को लेकर ख्याल रखिएगा, गले से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन महिला पक्ष के साथ आपके विशेष संबंध रहेंगे, दिल की बात शेयर करने वाले हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि आप गणपति को मोदक चढ़ाएं, और मोदक सफेद रंग की, सफेद वाली मोदक वो चढ़ाना है आपको। लकी कलर की बात की जाए वो है व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं वो है 4, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि, आज के दिन वृषभ राशि वालों को बहुत ही संभलना है, काम की जगह पे अपने आंख और कान खुले रखने हैं, कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, काम में आपकी अड़चने खड़ी करने की कोशिश कर सकता है, तो ध्यान से चलने की जरूरत है। जो न्यूली मैरिड है, पार्टनर की सेहत आज आपके लिए चिंता का विषय रहने वाली है, आज कोशिश करनी है कि जो लोग सिंगल हैं किसी से भी लिखित तौर पे बात ना करें, टेक्स्ट में बात ना करें, आपके शब्दों का, आपके लिखित तौर पे जो आपने लिखा है, आपकी लिखी हुई चीजों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, तो टेक्स्टिंग से आज बचना है। बात कर लें अगर सेहत की तो आज के दिन बॉडी के मिड पार्ट में दिक्कतें आएंगी, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि आप गणपति को दुर्वा अर्पित करें। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले सौभाग्यशाली रहेंगे, आज के दिन बिगड़े हुए काम भी बनते चले जाएंगे। आज के दिन आपके घर में आप हर कोई आपकी बात को सुनेगा, आपको इम्पोर्टेंस मिलने वाली है। जॉब या बिजनेस करते हैं तो बहुत ही ध्यान से, आज के दिन मन शांत नहीं रहने वाला है, मन के शांत ना होने की वजह से गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, तो बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आज आपको एक और खास चीज बताती हूँ, बहुत ही जल्द जो है बहुत सारे ग्रहों का गोचर होने वाला है, उसका असर आपके जीवन पर दिखाई देगा, सेहत से मार खाएंगे मिथुन राशि वाले, हेल्थ में दिक्कतें आने वाली हैं, तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन गणपति की पूजा करें, गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 21 बार सुबह सुबह उच्चारण करें। लकी कलर आपके लिए आज है रेड, लकी नंबर की बात करूं है 1, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए जल्दबाजी में कोई भी काम करने से आज मैं उनको मना करूंगी। बिजनेस डील कोई पक्की हो सकती है, लिखित तौर पे अगर किसी को कोई आप डॉक्यूमेंट पास ऑन कर रहे हैं तो ध्यान से, कोई भी लिखित चीज में जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं बहुत ही धैर्य रखना होगा, संभल के चलना होगा,
लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, पार्टनर का सपोर्ट मिलने वाला है, फैमिली में किसी की एंट्री है, कोई न्यू मेंबर एंटर कर सकता है, सेहत की बात की जाए घुटनों से या पैरों से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, पैसा कहीं से आने वाला है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि 9 साल से छोटी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए लकी कलर आज है व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। सिंह राशि वाले, आज के दिन कहीं कोई काम अगर आपका फंसा हुआ था वो निकल जाएगा। आज के दिन यात्रा के योग बन रहे हैं, छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, घर में रेनोवेशन का काम शुरू हो सकता है, खर्चा घर में ज्यादा है। आज के दिन बच्चों की वजह से चिड़चिड़े हो सकते हैं, छोटों की वजह से इरिटेट हो सकते हैं, सेहत का ख्याल रखिएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज सूर्य देवता को तांबे के लोटे से आपको जल चढ़ाना है सुबह सुबह, जब बहुत सारे लोग ना आराम से उठते हैं और तब जाकर जल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर जल चढ़ाते हैं तो उसकी पूरी एक जो है उसका नियम है, हमेशा जब सूर्योदय होता है उसके 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही आपको जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद तो पूरे दिन धूप है तो उसका मतलब आप चढ़ा सकते हैं नहीं, हमेशा सूर्योदय के समय ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देवता का आपको आशीर्वाद मिले तो सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप जल चढ़ा लीजिए। तो आज आपका महा उपाय यही है। लकी कलर ऑरेंज है, लकी नंबर की बात करूं है 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कन्या राशि वाले, जो लोग जॉब करते हैं, आज के दिन काम में आपकी तारीफ होने वाली है, किसी से लड़ाई कहा सुनी मतभेद चल रहा था वो सुलझ जाएगा। आज के दिन जॉब ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं, नए बिजनेस में घुसे हैं यानी हाल ही में कोई काम शुरू किया है तो काम में आपके तरक्की होने के योग बनेंगे। परिवार के साथ आज कोई धार्मिक क्रियाकलाप में आप बिजी रहेंगे। मैरिड हैं, ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। सेहत का ध्यान रखिएगा, आपको बॉडी के मिड पार्ट में जिनको हार्ट है, जिनकी खराब रहती है, हार्ट इशू है, आज के दिन बहुत ध्यान देना है, आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पैसे की बात कर ले तो आज कहीं से पैसा आने वाला है, साथ ही साथ आज के दिन आप पैसे को निवेश करने के बारे में भी कुछ ना कुछ आप काम करने वाले हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, हरी मूंग का दान करें। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर की बात करूं मैं 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तुला राशि वाले, आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा, छोटों के साथ अच्छा संबंध रहेगा, चाहे ऑफिस हो घर हो, छोटों के साथ बहुत ही प्यार से रहने वाले हैं। महिलाओं से आज बच के रहने की जरूरत है, महिलाओं के साथ आज हो सकता है कि आपकी कहा सुनी हो जाए, चाहे वो ऑफिस हो या बाहर हो, मतलब आपकी सोच नहीं मिलेगी, तो महिलाओं से थोड़ा आज डिस्टेंस मेंटेन करना है। आज के दिन जिनकी शादी की बात चल रही थी, आज के दिन हो सकता है कि आपकी शादी की उस बातचीत में फुल स्टॉप लग जाए, अड़चने आ जाए, दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से रहने की जरूरत है। और एक चीज याद रखिए, जब आपके साथ आपसे कुछ जाता है तो कुछ बहुत अच्छी चीज आती भी है, तो जाने वाली चीजों से ज्यादा मोह नहीं करते हैं, हाँ उम्मीद यही रखिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी पैसों की बात की जाए तो आज के दिन खर्चा बहुत ज्यादा रहने वाला है। कपड़े का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही शुभ रहेगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन इलायची खाकर दिन की शुरुआत करें, और आज गणपति की पूजा में भी इलायची जरूर अर्पित कीजिएगा। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट या ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि वाले, तेज तर्रार आज बुद्धि चलेगी आपकी, हर काम में आप जो है चतुराई दिखाएंगे, आप स्मार्टनेस दिखाएंगे। आज के दिन पिता या बड़े भाई का सपोर्ट मिलने वाला है। महिलाओं का, आज जो सिंगल है इस राशि की लड़कियां महिलाएं, आज के दिन कोई आपको पसंद आ सकता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, रिश्ता बन सकता है आपका। आज के दिन सेहत का ध्यान देना है वृश्चिक राशि वालों को, बैक रिलेटेड या हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नए नए पेरेंट्स बने हैं, आपके घर में नन्ना मेहमान आया है, तो बच्चे की सेहत का ध्यान दीजिएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन बहन बेटी बुआ मौसी यानी घर की महिलाओं को कुछ मीठा खिलाइए। लकी कलर की बात की जाए वो है आज आपके लिए येलो कलर, लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। धनुराशि, इंपेशेंट होने से बचना है, और ये जो आपका धैर्य खोएगा वो काम की जगह पे, परिवार में ठीक रहेंगे तो काम की जगह पे ये काम करने से बचना है आपको, अपने आप को होल्ड करना है। आज ये राशिफल बताने का मतलब यही होता है कि पूरे दिन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो आज इंपेशेंट होने से बचना है। आज के दिन सेहत की बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है, सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। आज आपके नाना पक्ष जो है आपके मामा पक्ष की तरफ से, ननिहाल पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी जरूर मिलने वाली है। सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेन देन जुड़े कार्य नहीं करने हैं।
महा उपाय। दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन बुध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करना है सुबह सुबह। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए आज ऑरेंज, लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मकर राशि, गुस्सा तेज रहेगा, बोली कड़ी रहेगी, ये चीजें जिसकी हो जाए दिन खराब जाना संभव है, संभव क्या निश्चित है, ये करने से बचना है, इसी पर कंट्रोल करना है। काम हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आपको ये चीजें यानी बोली ठीक रखनी है और गुस्सा भी करने से बचना है, क्योंकि ये दोनों में आज तीव्रता ज्यादा रहेगी। सेहत की बात की जाए, सेहत शांत देने वाली है, पैसा किसी को दिया हुआ था वो पैसा आपको निकल जाएगा, छोटी दूरी की यात्रा पर भी हाल ही में आप जाने वाले हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, विघ्नहर्ता की पूजा करें, वैसे भी कल अनंत चतुर्दशी है तो उनकी पूजा से जाते जाते आपकी सारी परेशानियों को बप्पा ले जाएंगे। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले आज बहुत ही ज्यादा किसी से आप मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, यानी किसी की तरफ आपका झुकाव वर्क प्लेस पर ज्यादा होने वाला है। बात करें फैमिली की तो आज के दिन कोई रिश्तेदार या कोई आपका करीबी जो है आपके घर आ सकता है, लोगों का मिलना जुलना हो सकता है आपसे। सेहत के मामले में थोड़ा आज ध्यान देने की जरूरत है, सेहत हिल सकती है, दिन के उत्तरार्ध में दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार या बाइक चलाते हैं तो उसमें खराबी आज ज्यादा पैसा खर्चा करवाएगी। आपके लिए महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि आप जो है हरे रंग की चीजों का मैरिड महिलाओं को दान करें, यानी शादीशुदा महिलाओं को हरे रंग की चीजें दान कीजिए। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन या येलो, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मीन राशि, मीन राशि के लोग खुश रहेंगे, दिन बहुत ही स्मूथ जाने वाला है, दिक्कतें नहीं है, हालांकि खोए खोए भी रहने वाले हैं। दिन के मध्य भाग में किसी से भी बहसबाजी हो सकती है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस मध्य भाग बचाना है, मिड पार्ट बचा देना है, यानी जो दोपहर का टाइम है ना वो टाइम, थोड़ा सा दोपहर से शाम तक का समय वो बचाना है आपको। बाकी बॉस से तारीफ जरूर मिलेगी, मैनेजर से काम की तारीफ मिलेगी, वो काम आने वाला है जो आप करना चाहते हैं, सेहत ठीक रहेगी। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि आप नंगे पांव किसी भी मंदिर या धार्मिक जगह पर जाएं। आपके लिए लकी कलर आज है व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आप जाते जाते आज के दिन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ये प्रभु से यही कामना करेंगे कि आपकी लाइफ से जितनी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। मिलती हूँ कल शाम 5 बजे, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।